तो अब बात होगी गौ तस्कर के गेम ओवर की। जी हाँ, हम इसी पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि यूपी का इनामी पशु तस्कर असम में ढेर कर दिया गया है। असम में पशु तस्करों का एनकाउंटर किया गया है। तस्कर अकबर बंजारा सलमान को ढेर कर दिया गया है। मेरठ पुलिस ने दरअसल इन्हें गिरफ्तार किया था और इन्हें असम पुलिस बी वारंट पर लेकर गई थी। फरार होने की कोशिश ये दोनों कर रहे थे और फरार होने की कोशिश में ही दोनों तस्कर मारे गए हैं। असम पुलिस ने 2 लाख के इनामी समेत 2 बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। दोनों आरोपियों को असम पुलिस ने रिमांड पर ले रखा था। आज सुबह दोनों पुलिस से छूटकर भाग गए थे। इसके बाद दोनों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई जिसमें वो मारे गए। 2 लाख का इनामी रहा अकबर बंजारा और उसका भाई सलमान असम में मुठभेड़ में ढेर हो गए। दोनों भाइयों को मेरठ पुलिस ने 1 सप्ताह पहले गिरफ्तार किया था। उसके बाद दोनों भाइयों को पुलिस असम लेकर गई थी। बता दें कि असम पुलिस ने दोनों भाइयों को 7 दिन के रिमांड पर लिया हुआ था। वही मंगलवार सुबह असम पुलिस उनको कोर्ट में पेश करने के लिए जा ही रही थी। इसी दौरान दोनों भाई पुलिस से छूटकर भागने की कोशिश कर रहे थे और जब ये मुठभेड़ होती है तो इस मुठभेड़ में दोनों ढेर हो जाते हैं। पारस गोयल हमारे सहयोगी इस वक्त मेरठ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। पारस, ये 2 लाख का इनामी और इसका साथी सलमान दोनों को ढेर कर दिया गया है, अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, मिलिटेंट एम्बुश में अकबर बंजारा और उनके साथी सलमान की मौत हो गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं मेरठ के फलाबदा में जहां अकबर बंजारा अपने परिवार के साथ रहता था। हमारे साथ अकबर बंजारा के परिवार के लोग भी मौजूद, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि बता क्या कहना चाहेंगे। असम पुलिस अकबर बंजारा को लेकर गई जी, यहाँ से लेके गई है, मतलब यहाँ कोर्ट से मतलब आदेश हो गए रिमांड के लिए, तो यहाँ से आसाम के अंदर लेके गए। आसाम में मतलब उनको ले जाके वहाँ मतलब इतनी सुरक्षा में, मतलब ये बताओ वो कैसे हमला कर सकते और जिसमें इतनी टीम थी वो खाली बनावा बना के उनका एनकाउंटर कर दिया गया सर। अच्छा, यहाँ अभी वो भैंसों का कारोबार चल भी रहा है वहां पे, लेकिन उसको मतलब ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कितना बड़ा कारोबार कर रहा है। अभी उन लोगों को पकड़ा जाए जो वहां भैंस का जो कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, उनको ये बताते हैं कि मतलब ये इन्होंने हमला किया। हमला सर, इतनी टीम से कैसे हमला कर जाएंगे? रात को रोटी भी खिलाई उनको, मतलब खाना खिलाया उनको, और मतलब हमने आदमी मतलब छोड़ा हुआ था उधर में ही, और टीम आई एक दिल्ली से, उन्होंने एनकाउंटर किया सर। ठीक है, देख रहे थे किस तरीके से। ठीक है पारस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का।